नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 11s versus Xiaomi Redmi 10 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 11s में 6.8 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 11s से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 11s में 3.08 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 11s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 11s में 0.34 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 11s से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 11s में 212.5 ग्राम्स जबकि Redmi 10 2022 में 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Note 11s में 20:5:9 जबकि Redmi 10 2022 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 11s में 6.95 इंचेस जबकि Redmi 10 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 11s में 1080x2460 और Redmi 10 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 11s में 85.06% जबकि Redmi 10 2022 में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 11s में 387 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 2022 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 11s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 2022 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 11s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 11s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi 10 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 11s में Mali-G57MC2 जबकि Redmi 10 2022 में Mali-G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 11s में MediaTek Helio G96 और Redmi 10 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीज़
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 2022 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Infinix Note 11s में 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 2022 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Realme 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।